ब्यूटी आज हेल्दी फूड खा रही है, ब्यूटी अब जंक फूड खाने बंद कर दिए हैं क्योंकि इससे बीमार पड़ जाते हैं। पेरेंट्स को हेल्दी फूड ही देना चाहिए, सीड्स एंड फ्रूट्स। ब्यूटी को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ब्यूटी को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ब्यूटी अच्छा लग रहा है। ब्यूटी क्या खा रही है? ओहो, सनफ्लावर सीड खा रही है। और ब्यूटी ने क्या खाया? गोवा भी खाया ब्यूटी ने? अरे वाह, और उसमें क्या? ब्यूटी के तिल हैं, ब्यूटी ने तिल भी खाए। ब्यूटी मैसेज दो सबको, जिसके भी पेरेंट्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको हेल्दी फूड देना चाहिए, इससे हेल्दी रहते हैं। आज ब्यूटी हेल्दी फूड खा रही है, ब्यूटी ब्यूटी ने जंक फूड खाना छोड़ दिए हैं। ब्यूटी खा रही है हेल्दी फूड। ब्यूटी मम्मा के लिए भी जाओगी, ये सब खा जाओगी? ओहो, ब्यूटी को और लगा देना पड़ेगा मुझे, पहले से पूरा फिनिश करो अच्छे बच्चों की तरह। गुड गर्ल, पानी यार, और इनके रोज इनकी सफाई रखनी चाहिए, बर्तन एकदम क्लीन रखने चाहिए, इनके डेली बर्तन धोने चाहिए, खाने के बाद खा लें तो रात को बर्तन हटा देने चाहिए, क्योंकि इसमें ना जर्म्स घूमते हैं, इससे पैरेट्स बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि ब्यूटी बीमार पड़ गई थी तो ये डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी सफाई रखनी चाहिए अच्छी तरह से, वरना बीमार पड़ जाते हैं। और रात में कभी भी खाना नहीं छोड़ना चाहिए इनके पास, क्योंकि इसमें जो ना छोटे छोटे नन्हे देखो कीड़े हो जाते हैं खाने में, और ये लोग खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। रात को एकदम खुल कर क्लीन कर देना चाहिए खाना खाने के बाद में, और जहाँ ही सोते हैं इनका वो भी क्लीन कर देना चाहिए, पानी डेली बदलना चाहिए, पानी एकदम साफ। ब्यूटी तो एक्सरसाइज भी करती है सुबह के, पहले ये उठ के ये खाना नहीं खाती है, पहले ये इधर उधर घूमेगी क्योंकि वॉकिंग होती है, उड़ नहीं पाती, लेकिन थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही है, थोड़ा थोड़ा सा उड़ना शुरू कराना, वो थोड़ा थोड़ा सा। फिर ये अपनी सफाई करते हैं, फिर ये खाना खाते हैं। सब लोग अपने पेट्स का ध्यान रखें, जिनके घरों में पेट्स हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें, सफाई का, खाने का, पानी पीने का, जिससे हमारे पेट्स जो ना हेल्दी रहते हैं। ओहो, व्यू को तो गुस्सा आ रहा है, व्यू सोच रही कि मम्मी तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ रही मुझे। अच्छा व्यू, थैंक यू बोल दो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।